संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। आइए प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर के आदेश अनुसार सब कुछ स्वीकार करने वाले प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पिता और पुत्र से प्रसृत होने वाले जीवन दाता पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो ये कह पाएंगे कि हमारे लिए किसी मनुष्य ने हमसे प्रेम के कारण अपनी जान दे दी। परंतु हम प्यारे विश्वासियों एक ऐसे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने मनुष्य रूप धारण कर मनुष्य शरीर में हमारे लिए हमसे प्रेम के कारण अपनी जान हमारे लिए दे दी। आइए उसकी स्तुति करते हुए उसे धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु का वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने आप को दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह ईश्वर की बराबरी कर सकते थे परंतु उन्होंने फिर भी हमारा हीन व्यवहार उनके प्रति स्वीकार किया। उन्होंने हमारी नफरत, हमारा अस्वीकार करना और सब कुछ हमारे लिए स्वीकार किया। आइए, हो सकता है आज हम बहुत सारी चीज़ों से डूबे हुए होंगे, हो सकता है हम बहुत सारी परेशानियों और संकट में होंगे, परंतु आइए हम प्रेम के चिन्ह के नीचे, प्रभु के पावन क्रूस के नीचे अपने आप को समर्पित करें। हम महसूस करें कि प्रभु का पावन लहू इस समय हमारे सारे पापों को, हमारे सारे चिंताओं परेशानियों को अपने ऊपर ले रहा है और सब कुछ धो रहा है। आइए इस समय में हम प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं और उसे धन्यवाद अर्पित करें। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, परमेश्वर जो हमारे गुनाहों के कारण, थैंक यू जीसस, जो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान हमारा ईश्वर, वो मेरा मसीहा है, हर जर्द उसके शरीर का हमारे ही कारण है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु ने हमसे कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, परंतु हमने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु ने इस संसार को प्रेम दिया परंतु हमने उसे बदले में क्रूस दिया। प्रभु ने हमारे लिए सारा दर्द स्वीकार किया परंतु हमने उसे बदले में अस्वीकार किया। जब हमने प्रभु को अस्वीकार किया तब भी प्रभु ने हमारे पापों के बावजूद हमें पिता ईश्वर के सामने स्वीकार किया। हमने प्रभु को दुख दिया परंतु प्रभु ने हमें क्षमा प्रदान किया।
आइए इस अनोखे प्रेम की स्तुति करते हुए, इस अनोखे प्यार में अपने आप को डुबाते हुए, आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जिस समय प्रभु गेतसेमनी के बारे में प्राण पीड़ा में थे और उनका पसीना रक्त की भांति जमीन पर टपक रहा था, उन्हें सब कुछ पता था कि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वह उन्हें धोखा देने वाले हैं, जो लोग उनके गुण गाते हैं वो ही उन्हें अस्वीकार करने वाले हैं, और जिन लोगों से उन्होंने इतना प्यार किया वो ही उन्हें क्रूस देने वाले हैं। परंतु फिर भी वह पिता ईश्वर से कहते हैं कि पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। वह पिता ईश्वर से कहते हैं कि मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और यह संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, जो प्रेम पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु से किया, वही प्रेम उसने हम में से हर एक से भी किया। आइए उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं, क्योंकि उसके उपकारों के लिए हम उसे कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपने छोटे छोटे शब्दों में उसे धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। ग्रंथ में अध्याय 53 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे, हम किसी चीज़ के योग्य नहीं थे, परंतु उसने जो दंड हम डिजर्व करते थे या जिसके योग्य हम थे, उसने वो दंड अपने ऊपर ले लिया। जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी वो सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली, और क्रूस पर मृत्यु जो कि सबसे दर्दनाक मृत्यु है वो उसने हमारे लिए स्वीकार की। जब उसका शरीर छेदित किया जा रहा था, जब प्रभु यीशु का भी हौसला एक पल के लिए टूटा होगा, जब कांटों का दर्द, कीलों का दर्द उसके शरीर पर भी असहनीय दर्द दे रहा होगा, तब भी प्रभु यीशु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा और वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की भांति सब कुछ स्वीकार किया। उस समय भी वह सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यदि वे हमारे लिए यह कदम नहीं उठाते तो शायद हम सभी आज जीवित नहीं होते। प्रभु का पवित्र वचन इसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 3 में कहता है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था, लोग जिन्हें देख कर मुँह फेर लेते थे उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। हाँ प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद वह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया था। वह अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ नहीं बल्कि वह सिर्फ प्रेम देना जानता था, और सब कुछ, सारी निंदा, सारा तिरस्कार उसने सिर्फ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए स्वीकार किया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं और अपने मन ही मन उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, सब उनकी निंदा करते हुए, उनका उपहास करते हुए कहते थे कि यह इसी के योग्य थे, वह यही डिजर्व करते थे, वह एक पापी है और अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। परंतु वास्तव में
वह अपने नहीं बल्कि हमारे पापों की सजा भुगत रहे थे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया। ईश्वर के पुत्र ने अपने आप को इतना विनम्र बना लिया कि हम जैसे पापियों के बीच उसकी कब्र बनाई गई और वह हम जैसे लोगों के बीच दफनाया गया। आइए हम इस गीत के माध्यम से फिर एक बार उसकी स्तुति आराधना करें। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जो क्रूस पे हमारा ईश्वर है वो मेरा मसीहा। Thank you, Jesus. हर सभी चीजों के लिए प्रभु, हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए यीशु, धन्यवाद यीशु। हम ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति आराधना करें उसके प्रेम के लिए। हालेलुया 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 यीशु के सुने यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु ने सब कुछ हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि हमें पापों से मुक्त करने के लिए किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। आमीन।